please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आतंकी पार्टी है, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, बजरंग दल आतंकवादियों को पनाह देने वाला बढ़ावा देने वाला संगठन है। ये सब बातें कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साहब ने देश के तीन दक्षिणपंथी संगठनों को आतंकवादी संगठन बताकर की, तो आज भी उन्होंने अपनी जबान पे लगाम नहीं लगाई। आज उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़कर रख दिया। देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों को आतंकवाद से जोड़ना, जातियों में बटे हिंदुओं का रिश्ता आतंक से जोड़ना, देशवासियों की जीवन शैली हिंदुत्व का रिश्ता आतंक से बताना, इसके खास मायने और खास मकसद है और यह है चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कल तक जो कांग्रेस पार्टी जनउधारी थी, आज वो कांग्रेस पार्टी हिंदू टेरर की बात कर रही है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव बेहद करीब आ गए हैं। अगले चुनाव कर्नाटक में होने हैं। गुजरात में मुसलमानों की आबादी 10% से कम थी, तो कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी का जनेऊ दिखा रही थी, उन्हें मंदिर घुमा रही थी। लेकिन अब जब कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 12% से भी ज्यादा है, तो आज उसी कांग्रेस को हिंदू और हिंदुत्व की आतंकवाद की सिद्धरमैया साहब की थ्योरी बहुत पसंद आई है। कांग्रेस औपचारिक तौर पर यह कह रही है कि सिद्धरमैया के साथ तो हम खड़े हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा है तो वो बेबुनियाद नहीं हो सकता। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ऐसी जानकारी होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आरएसएस और बीजेपी जैसे संगठन आतंकवादी संगठन है, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? इन संस्थाओं पर अब तक सिद्धरमैया ने रोक क्यों नहीं लगाई? इनके नेताओं को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? सिद्धरमैया को अगर लगता है कि बीजेपी आरएसएस को आतंकवादी बोलकर वो अपने चुनावी फायदे की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या कर्नाटक की जनता को, हिंदुस्तान की आवाम को समझ में नहीं आएगा कि यह सिर्फ सियासी है? क्या ऐसे आरोपों से कर्नाटक या देश का भला होने जा रहा है? क्या चुनावी फायदे के लिए सियासी दल किसी भी हद तक गिर सकते हैं? इसीलिए आज हम कुछ सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या देश के सबसे बड़े सियासी दल को चुनावी फायदे के लिए आतंकी दल कहना जायज है? सवाल नंबर दो जो आज हम पूछेंगे कि क्या आतंक पर राजनीति कर सियासी दल देश को कमजोर नहीं करते हैं? और सवाल नंबर तीन कि क्या हिंदू टेरर कार्ड चलकर कांग्रेस मुसलमान मतदाताओं को रिझाने में कामयाब हो पाएगी? क्या बीजेपी आरएसएस आतंकी है? इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर बड़ी चर्चा। लेकिन एक नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी हैं, तो हम खुले क्यों घूम रहे हैं? अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद जिस राहुल गांधी ने पॉजिटिव पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का वादा और दावा किया था, चुनाव का रथ गुजरात से निकलकर कर्नाटक पहुंचते पहुंचते उस दावे की हवा निकल गई। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, क्या बीजेपी आरएसएस आतंकी है? हिंदुत्व उग्रगामी नानु हिंदू, ಅದು ನಂಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ನಾನು, ಇವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳು ಇವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಉಗ್ರ ಮತ. ಆಂಟನಿ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಜನೇವು ಮಂಗಾಯಾ ಗಯಾ ಮಂದಿರ್ ಮಂದಿರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಯೇ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ ಆಜ್ ಪುನಃ ವಹಿ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ಹಿಂದೂಓ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಸೆಫ್ರನ್ ಟೆರರ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಟೆರರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಶಬ್ದೋ ಕೋ ಪುನಃ ಜೋರ್ ದೇನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ವಾರಾ ಯೇ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಕಿ ರಾಜನೀತಿ ಹೇ. सिद्धरमैया का आज का बयान कल के बयान की सफाई में आया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कल बीजेपी आरएसएस और बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया था। चुनाव से पहले अपने वोटरों को रिझाने के लिए चले जुबानी तीर के बाद जब रफू करने की बारी आई, तो सिद्धरमैया ने आग में घी डालने का ही काम किया। अब कांग्रेस इस बयान की आलोचना करने की जगह उनके साथ खड़ी हो गई है। उनके पास जब तक इंटेलिजेंस इनपुट कुछ ना हो, ऐसे बातें करेंगे नहीं। अगर इनपुट है
तो स्वाभाविक है कि उन्होंने सही कहा हो। कल वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर हमला कर रहे थे और उसे एक आतंकवादी संगठन बता रहे थे, और आज उन्होंने हिंदुओं पर हमला किया है और हिंदू आतंकवाद के पूरे विषय को पुनः जागृत किया है। आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के चेहरे पर से नकाब उतर गया है। कर्नाटक में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं। एक ताजा अनुमान के मुताबिक 6 करोड़ की आबादी वाले कर्नाटक में दलित सबसे ज्यादा करीब 24% हैं। दलितों की आबादी करीब 1 करोड़ है, मुसलमानों की आबादी करीब 12.5% है, यानी मुसलमान करीब 75 लाख हैं। यानी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को लुभाने के लिए ही टीपू सुल्तान जयंती से लेकर पीएफआई और दूसरे मुद्दों पर सरकारें रुख तय करती हैं। ಕೋಮನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವು ಯಾವಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಿಂಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಮ್। ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿ ಗೋದ್ ಮೇ ಬೈಠಕರ್ ಯದಿ ಕೋಯಿ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಪಂಥ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕಹತಾ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕ ಕಹತಾ ಹೈ, तो सीधा रमैया से बड़ा कोई दोहरा व्यवहार वाला व्यक्ति नहीं होगा। वे सांप्रदायिक फासीवाद को बढ़ा रहे हैं, सीधा रमैया आतंकवादियों के हाथों में खेल रहे हैं और कर्नाटका को आतंकवादियों के हवाले कर देना चाहते हैं चुनाव से पहले। हम तो पूछेंगे कि क्या हिंदू आतंकवाद का जिक्र कर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल चल रही है। मैं अपना आज का सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या हिंदू आतंकवाद का जिक्र कर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल चल रही है। अगर आपका जवाब हां है तो HTP space देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP space देकर N लिखिए। अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #Congress का टेरर कार्ड, इसके जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं सीधे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव त्यागी यहां मेरे साथ स्टूडियो में, स्वागत है आपका। विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी जी, आपका स्वागत है। जो लोग और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में, उनको बारी बारी से परिचय कराता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर गीता भट्ट है, जो कि RSS की जानकार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक अकेडमिशियन है हमारे साथ। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु है माफ़ करिएगा, और कांग्रेस की तरफ से खुलकर बैटिंग करते हैं। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब है, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से GVL और सिमा राव इस डिबेट में कुछ ही देर में शामिल होने वाले हैं। मेरा पहला सवाल सीधे तौर पर गीता जी आपसे है, आप आतंकी संगठन हैं, आप और आपसे जुड़ी जितनी अनुवांशिक आपके धड़े निकले हुए हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब आतंकी हैं। सुमित जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 90 वर्षों से ज़्यादा से एक सामाजिक और एक राष्ट्रीय संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन के नाते जमीन से जुड़कर कार्य कर रहा है, और इसकी जो है पुष्टि करने की किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच में सभी को मालूम है कि किस तरह का प्रयास एक स्वयंसेवक अपने आप में एक निस्वार्थ रूप से काम करता है, और जब वो काम करता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी के ऊपर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। कर्नाटक जैसे राज्य का बड़ा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कहते हैं कि आप लोग आतंकवादी बनाते हैं, आतंकवादी संगठन की तरह काम करते हैं। देखिए देखिए, हिंदू और आतंकवाद, ये इस बात के, ये बड़ी एक दुखद सी घटना है कि सिद्धारमैया जी इतने वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, और शायद राजनीति से जुड़े होने के कारण ही उन्होंने एक इस तरह का जो है बयान दिया है, क्योंकि हिंदू और आतंकवाद ये दोनों ही शब्द आपस में विपरीतार्थक शब्द हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता ही सेकुलर है। आज से आप ये देखिए, चिरमन मॉस्क केरल में हिंदू राजा ने बनवाया था, हमारी सभ्यता ही हमेशा से इस तरह रहेगी, और यही जो देश है अगर आज सेकुलर है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ एक हिंदू जो है, हिंदू सभ्यता और संस्कृति जो है पनप रही है राजीव हजारों वर्षों से। अगर सबूत है, अगर सबूत है कि गीता भट्ट की संस्था RSS आतंकवादी है, अगर ये सबूत है कि विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी है, अगर ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी है,
तो आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? एक भी एफआईआर क्यों नहीं, एक भी कंप्लेन क्यों नहीं? अरेस्ट की बात तो दूर। सुमित जी, तिरंगे में तीन रंग है। पहला रंग शौर्य का प्रतीक है जिसको केसरिया कहते हैं, बीच का रंग व्हाइट है जिसको हम शांति का प्रतीक कहते हैं, और अंतिम रंग हरा रंग है जिसको विकास का प्रतीक कहते हैं। इस तिरंगे की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पित है और निश्चित रूप से हम आरएसएस से लड़ना जानते हैं, लड़ेंगे। आरएसएस एक अतिवादी संगठन है, पीएफआई एक अतिवादी संगठन है, आतंकवादी से अतिवादी पे आ गए। अगर डिबेट पे, अगर डिबेट पर देखिए, चेंज है कांग्रेस के स्टैंड में? डिबेट पर बिल्कुल नहीं, डिबेट पर सुन लीजिए, मैं कंप्लीट तो नहीं किया, आपने कह दिया। मैंने आपके मुख्यमंत्री की बाइट सुनाता हूं, कंप्लीट कहां किया आपके मुख्यमंत्री? कंप्लीट कहां किया अभी? क्यों आपने अतिवादी कह दिया? मैंने कंप्लीट कहां किया? आप क्या भूमिका बनाएंगे? क्या कंप्लीट कर दिया? क्या कंप्लीट कर दिया आपने? अतिवादी कह दिया आपने? आपने पांच बार भूमिका बनाई कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए। बिल्कुल, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अरे आप क्यों, आपको बोलने का अधिकार नहीं है? आपको बोलना है तो सीधे को बोलिए, अधिकार है हर सीधे को। सीधारमैया को बोलिए, सुमित अवस्थी जी आप सीधारमैया को बोलिए, हर व्यक्ति को अधिकार है। आप सीधारमैया को बोलिए, प्रत्येक व्यक्ति को। नहीं, सबूत आगे दीजिए, सबूत लाके दीजिए। मजाक नहीं उड़ाइए, मजाक नहीं उड़ाइए इस देश की अभिव्यक्ति की आजादी का, अभिव्यक्ति की आजादी का और हिंदुस्तान के वोटर का मजाक मत उड़ाइए। सबूत दीजिए, मुख्यमंत्री बोल रहा है। अगर ये किसी प्रवक्ता की बात नहीं है, किसी प्रवक्ता की बात नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा निश्चित रूप से, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अपने आतंक से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे मैं दबूंगा नहीं। आप तो बहादुर आदमी है, मैं वो कांग्रेसी हूं। आप तो किसी के आतंकवादी कह देते हैं, लेकिन आपके सबूत के आतंकवादी कह देते हैं। आप मुझे भी आतंकवादी कह दीजिए, आप मुझे भी आतंकवादी कह दीजिए, अपने आप मुझे भी आतंकवादी कह दीजिए। ये तरीका है आपका, ये कांग्रेस की हैसियत है, ये कांग्रेस की हैसियत है। सवाल पूछो तो कहते हैं कि आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी हमको बना रहे हैं। देखिए, जवाब दीजिए, सिद्धारमैया जिस तरह के सिद्धारमैया के पास क्या सबूत है? लेकर रहे सिद्धारमैया के पास क्या सबूत है? आतंक है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। मैंने सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। राशन पार्टी लेकर आप तो पलट गए, नहीं आप पलट गए। नो, मैं पलटा नहीं। आपका मुख्यमंत्री आतंकवादी बोल रहा है, आप अतिवादी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री आप पलट गए, ठीक का आप पलट गए। मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा ठीक का, मैं आपको कुछ इंस्टांसेस देना चाहता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, आतंकवादी है, सुनिए, सबूत दीजिए, सुनिए, सबूत दीजिए, देखिए, सबूत दीजिए, अरेस्ट कराइए, अरेस्ट कराइए। विजय शंकर तिवारी यहाँ बैठे, जीवी नरसिम्हा राव वहाँ बैठे, गीता बैठे भी हुई है, अरेस्ट कराइए, अरेस्ट कराइए, माय डियर सर प्लीज, अरेस्ट कराइए, ड्रामा मत करिए, कंप्लीट कर, हिंदुस्तान के आवाम को बेवकूफ मत समझिए, कंप्लीट कर, आवाम को बेवकूफ मत समझिए। राजीव जी, आपको सबूत देना पड़ेगा। 3 जनवरी सबूत दीजिए, 3 जनवरी कुछ मुस्लिम युवकों ने दक्षिण कर्नाटक में दीपक राव नामक व्यक्ति को, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता, उसको मार दिया, उनको गिरफ्तार करने का काम सरकार ने किया। 3 जनवरी के बाद 7 जनवरी को एक मुस्लिम नौजवान को, जो कि फूड ज्वाइंट चलाता है, उसको, उनका नाम है अब्दुल बशीर, उनको बजरंग दल के लोगों ने मार दिया, उनको भी गिरफ्तार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 2 इंस्टांस दिए मैंने आपको। 27 दिसंबर 2017 बजरंग दल ये आह्वान करता है कि जो भी लड़का लड़की न्यू ईयर वीक पे जाएगा, उसको बजरंग दल अपनी तरीके से उसको सबक सिखाने का काम करेगा। श्रीराम सेना को हमने देखा कर्नाटक में कि किस तरह से उसने न्यू ईयर पार्टी की ईव पर बदतमीजी करने का काम किया, और पूरी श्रीराम सेना ने बैन करने का काम किया, और उसके बाद उसको हटाने का काम भी किया। और 1948 में हमने आरएसएस पे बैन लगाया, दोबारा सरकार में आएंगे, इस नफरतवादी संस्था को, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे जितनी भी, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, पीएफआई पे तो नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल, पीएफआई को तो बचा रहे हैं, पीएफआई को बचाने के चक्कर में अब आरएसएस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, जीवीएल नरसिम्हा राव, एक मिनट शांत रहिए, ऑडियो म्यूट, जीवीएल नरसिम्हा राव, अब बीजेपी को जवाब देना है। मेरा ऑडियो भी म्यूट। जीवीएल नरसिम्हा राव जवाब दीजिए, आप आतंकवादियों को पना देते हैं, आप आतंकवादी संगठन है, और आपके खिलाफ सिद्धारमैया एफआईआर कराने वाला है, तैयार हो जाइए अरेस्ट होने के लिए। बाप, राजीव त्यागी ने कह दिया आपको बंद करा देंगे ये लोग। नहीं, सुमित अवस्थी जी, ये बोखलाहट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी की बोखलाहट साफ दिख रहा है, और दूसरी और एक साजिश भी दिख रही है, जो पहले गुजरात में इन्होंने स्वरूप बदलने की जो वहां जो कोशिश किया था, और पहले जब जिस प्रकार यूपीए के सरकार में रहते हुए हिंदू आतंकवाद का शब्द का जो चयन किया कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन सरकार,
जिस प्रकार हफीज सईद साहब करके उनको पुकारते थे, ओसामा जी, ये सब जो किया है केवल केवल एक वोट बैंक राजनीति करके। आप सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं क्या? क्या आप अपने मुख्यमंत्री के बयान के लिए माफी मांगेंगे? आप आतंकवाद में कांग्रेस पार्टी पर आओगे? आपको माफी मांगना पड़ेगा। कांग्रेस ने कुर्बानियां दी देश के तिरंगे के लिए, प्रकार गलत बयानबाजी करके चुनाव जीतने के ख्वाब में नहीं देखते हैं तो बिल्कुल गलत साबित होगा। कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करेगी। पहले सिद्धरामैया को माफी करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। जीवी नरसिम्हा राव को क्या ये राहुल गांधी के बोल नहीं बोल रहे? बीजेपी को आरएसएस को बंद करा दीजिए। जवाब दे दूं, लगाइए ना, जवाब दे दूं, लगाइए ना, प्रतिबंध लगाइए ना, जवाब दे दूं। सन 48 में 20 सेकंड में 20 सेकंड 48 में नहीं, तो 18 की बात करिए, 18 में भी आऊंगा, 18 में भी आऊंगा, हमने हटाया नहीं, हमने हटाया सरदार पटेल ने, हमने हटाया, नो हमने हटाया, कांग्रेस ने हटाया। क्या सरदार पटेल किया थे? प्रताप पटेल साहब ने कांग्रेस नहीं थे, 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 पटेल साहब ने हटाया। हां फिर ऐसे बोलिए ना, कौन सी ऐसे बोलिए ना, कौन सी पार्टी से थे? हमने हमने मत क्या करिए आपने हमने हमने करके आपने हमने हमने करके राहुल गांधी को जेल में लाया। कभी भी जीवन में अब कब टोपी बना रहे निकलवा रहे अब टोपी बना रहे अब कब टोपी बना रहे अब मैं जेल के बाद टोपी का पहना रहे जवाब दे दूं जनों के बाद टोपी का पहना रहे जवाब कर्नाटक का चुनाव 3 महीने दूर है। जवाब दे दूं प्लीज, बोलिए ना, जवाब दे दूं, बोलिए ना, पीएफआई किस दिन? नहीं, राहुल गांधी को टोपी का पहना रहे। मैं जवाब दे दूं, जनों बनाया ना आपने, टोपी का पहना रहे राहुल गांधी, टोपी का पहना रहे राहुल गांधी, जनेबी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं, और उसके अलावा जीसस को भी मानते हैं, सब आ गया, सब आ गया, सबको मानते हैं, एक्सपोज हो गया, ये तय हो गया, गुजरात में बीजेपी को जरूरत नहीं थी मुसलमानों की, कोई वोट की जरूरत नहीं थी, तो भूल गए टोपी को, आज टोपी पहनेंगे, आज पगड़ी पहनेंगे। इन्हीं राजीव त्यागी को कम से कम 10 डिबेट में बुलाया मैंने, कभी इन्होंने इस तरह की बात नहीं की, आज एक्सपोज हो गए। बोलिए, बोलिए, नहीं नहीं बहुत बोलिए, सुनिए, नहीं नहीं सुनिए बाबा, अरे सुनिए, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक नहीं, नहीं राजीव जी, मैंने तिवारी जी का नाम लिया, तिवारी जी का नाम लिया, तिवारी जी का नाम लिया, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विश्वहिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ। पीएफआई की बात हो रही थी, पीएफआई ने कर्नाटक में 20 हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की है और वहां की सरकार ने बीस हिंदू कार्यकर्ताओं की बिल्कुल मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन वहां की सरकार ने उस पीएफआई के लिए कुछ नहीं किया, अभी तक कोई इस प्रकार का संदेश नहीं दिया। और दूसरी बात मैं संघ का स्वयंसेवक, संघ का स्वयंसेवक हूं, ये कहा गया कि संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, पुनी नेहरू जी ने संघ को गणतंत्र दिवस पर सम्मिलित करने का काम किया, और लाल बहादुर शास्त्री ने जब दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई, लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हीं संघ के स्वयंसेवकों को ट्रैफिक व्यवस्था में लगाया। अगर विश्वास नहीं था, अगर वो टेररिस्ट थे, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको वहां पर क्यों बुलाया कि आप परेड करिए? और एक मिनट कार का नहीं, नहीं, संदेश नहीं दिया नहीं, और दूसरी बात मैं संघ का स्वयंसेवक, संघ का स्वयंसेवक हूं, ये कहा गया कि संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, पुनी नेहरू जी ने संघ को गणतंत्र दिवस पर सम्मिलित करने का काम किया, और लाल बहादुर शास्त्री ने जब दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई, लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हीं संघ के स्वयंसेवकों को ट्रैफिक व्यवस्था में लगाया। अगर विश्वास नहीं था, अगर वो टेररिस्ट थे, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको वहां पर क्यों बुलाया कि आप परेड करिए? और एक मिनट बाद में पता नहीं अवसर देने का जवाब नहीं होता है, पता नहीं अवसर, कुछ बात सुननी लेनी चाहिए, पता नहीं अवसर देने का जवाब नहीं होता है, बिल्कुल भारत के सुनना पड़ेगा, जब तक सिद्धरमैया सिद्ध नहीं करेंगे तब तक तो सुनना पड़ेगा। भारत के गृह मंत्री शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद की जब बात कही, तो इस पर माननीय सोनिया जी ने माफी मांगी कि नहीं वो गलत था, तो अगर गलत था नहीं, तो सिद्धरमैया जी ने आतंकवाद के साथ जोड़ करके आरएसएस का नाम क्यों लिया, ये दुर्भाग्यजनक है निश्चित तौर पर। जीवीएल नरसिम्हा राव, मेरा सवाल आपसे, एक मिनट, राजीव त्यागी शांत रहिए राजीव त्यागी। जीवीएल नरसिम्हा राव, मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, अगर सिद्धरमैया ये कहते हैं कि आपका संगठन अतिवादी है, जो राजीव त्यागी जी ने शब्द का इस्तेमाल किया,
आतंकवादी है, तो आपको चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? जब जब श्रीराम सेना जैसे लोग कार्रवाई करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, तो आप लोगों को चिंता होनी चाहिए कि आप लोग ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, उनको एक्सपोज नहीं करते हैं, उनके पे कार्रवाई नहीं करते हैं, इसीलिए कांग्रेस को यह कहने का मौका मिलता है। नहीं नहीं सुमित जी, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस संस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप इस प्रकार हमको जोड़कर उससे आप हमारे नाम खराब करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए थोड़ी आपको परमिशन थोड़ी देंगे। और जिन्होंने यदि कोई गलत काम किया, जो आपके सामने पीएफआई सैकड़ों लोगों को मार रही है, केरल और कर्नाटक के सरकार दोनों आंखें बंद कर दिए, बंद करके बैठे हुए हैं। हमारे 22 कार्यकर्ता का हत्या हुआ पिछले सिद्धरामैया के कार्यकाल में, इसमें कई हत्याएं पीएफआई ने और उनके कार्यकर्ता ने किया है। ये रेडिकल संस्था है और पीएफआई के नाम आईएसआईएस में आतंकवादियों को भेजने के लिए इस प्रकार की केरल की पुलिस और कर्नाटक की पुलिस भी उनको पकड़ी है। तो इस ऐसे संस्था पर कार्रवाई करने के बजाय आप उनसे पॉलिटिकल अलायंस करने की बात कर रहे हैं। आज काश्मीर साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री, मेरा ये आरोप है, मेरा ये आरोप है, डिबेट में और लग गई है, तो पीएफआई के साथ अब ये भी आप पॉलिटिकल अलायंस करना चाह रहे हैं, ये भी आप सिखाएंगे पॉलिटिकल अलायंस? बिल्कुल नहीं चाहते हैं सर। नहीं काश्मीर साहब, काश्मीर साहब तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं, पीएफआई का नाम बार बार आ रहा है, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड चाहेंगे? क्या पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि पीएफआई पर प्रतिबंध होना चाहिए, पीएफआई पर कार्रवाई होनी चाहिए? पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या ओपिनियन है काश्मी साहब? देखिए पीएफआई के बारे में बिल्कुल खुली ओपिनियन मैं अभी दूंगा जी। उससे पहले एक दो बात मैं जरा सा क्लियर कर दूं कि ये गलत फहमी लोगों को दूर हो जाए कि अगर कोई हिंदू के बारे में कोई गलत शब्द इस्तेमाल करे या कुछ कहे तो उससे मुसलमान खुश होकर के एक तरफा वोट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई हिंदू टेररिज्म कहे तो हम भी कहेंगे कि हिंदू टेररिज्म का हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई संस्था हो सकती है लेकिन मजहब से जोड़ करके उसको नहीं देखा जा सकता। और उससे कोई मुसलमान खुश होकर के पोलराइज होकर के किसी को कांग्रेस को वोट कर दे या किसी को वोट कर दे, ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 13% को खुश करने के लिए 87% को कैसे नाराज करेगी, मुझे ये लॉजिक भी नहीं समझ में आता। दूसरी बात, सिद्धारमैया ने जो कुछ भी कहा इसके इस सिलसिले में, उस सिलसिले में आरएसएस से मुतालिक जो तथ्य सामने हम आपके जो होंगे 60-70 साल के, वो चीज़ें भी सामने, चाहे वो हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो, जो तथ्य सामने हैं, जो लोग जो है उन चीज़ों को भी सामने रखिए और उसके बाद फिर उस पर बात कीजिए। और पिछले दिनों जिस तरीके से लिंक उसको किया गया, चाहे वो कर्नल पुरोहित हो या सीमानंद हो या प्रज्ञा ठाकुर हो या मुल्क के जितने बड़े बम धमाके हो, सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, यहाँ तक के एक सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार तक का नाम उसमें इन्वॉल्व किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं शक का दायरा तो फैलता है और इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। तीसरी बात जो आप पॉपुलर फ्रंट के बारे में कहा, देखिए सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? सेंटर में तो खुद बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर पॉपुलर फ्रंट में कोई कमी है या कहीं पर वो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो यकीनन उस पर बैन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इस तरीके से उसके खिलाफ प्रोपेगेशन भी नहीं होना चाहिए। और एनआईए तो कार्रवाई कर रही है। नहीं, अगर एनआईए की रिपोर्ट है तो फिर सेंटर क्यों खामोश है अब तक? नहीं, मैं तो सीधा ये सवाल पीएफआई पर नहीं है, फिर ये सवाल मोदी सरकार पे है कि जब एनआईए की रिपोर्ट है, सब कुछ है, तो फिर ये मोदी सरकार क्यों खामोश नहीं बैठी है? जीवल से जवाब लूंगा मैं, आपने वैलिड बातें की, मैं आपकी बात का जवाब जीवल से लूंगा, लेकिन हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। जिस प्रकार हफीज सईद साहब करके उनको पुकारते थे, ओसामा जी, ये सब जो किया है केवल केवल एक वोट बैंक राजनीति करके, लेकिन सिद्धरामैया में सारे हटे पार करते मुंबई में घूम करके चली जाती है। आप सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं क्या? आप अपने मुख्यमंत्री के बयान के लिए माफी मांगेंगे? आप आतंकवाद में कांग्रेस की पार्टी पड़ाओगे? आपको माफी मांगना पड़ेगा? कांग्रेस ने कुर्बानी दी देश के तिरंगे के लिए, प्रकार गलत बयान जी करके चुनाव जीतने के ख्वाब में नहीं देखते हैं तो बिल्कुल गलत साबित होगा। एक बार फिर आपका स्वागत है। नतीजे देखते हैं, पहले दर्शक क्या कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है? 87% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल पर। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसमें 88% 88% लोग इसमें भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ, सीधे आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ जाऊंगा। आचार्य जी, क्या ये जायज है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कुछ वोटों की खातिर ये कह देना कि एक्स वाई जी जो है वो आतंकवादी है? जैसा कि अभी हमने काश्मीर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि इससे मुसलमान खुश नहीं होते हैं, उनको मुसलमान के वोट मिल जाएंगे इसकी कोई तय नहीं है, फिर ये क्यों इस तरह की बयानबाजी? कृष्णम साहब,
सुमित अवस्थी जी, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने कहा है कि अगर उन्होंने ये कहा है, मैंने उनकी बाइट अभी सुनी नहीं है, कि उन्होंने कहा है बीजेपी में कुछ लोग उग्रवादी हैं, आरएसएस में उग्रवादी हैं, या उन्होंने ये कहा है हिंदू उग्रवादी होता है, क्या कहा है ये उनका और राजीव त्यागी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल है। लेकिन मैं एक सवाल निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कहना मुनासिब और शोभा देता है कि ये सरकार हिंदू विरोधी है? क्या कोई चीफ मिनिस्टर हिंदू विरोधी है? क्या सिद्धरमैया हिंदू विरोधी हो सकते हैं? क्या सिद्धरमैया हिंदुओं के दुश्मन हो सकते हैं? क्या सिद्धरमैया मौलाना हो गए हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो क्या रोजे रखते हैं? आचार्य जी, उन्होंने हिंदू टेररिज्म की बात की है, हिंदू मोहम्मद सईद के आतंकवादी होने की बात की है, क्या वो हाफिज मोहम्मद जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हम भी उनकी लिस्ट में आतंकवादी हो सकते हैं? नहीं, एक सेकंड, तो मेरा सवाल एक बड़ा इतिहास साक्षी है, महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की थी, इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, सारे के सारे हिंदू को हमने वाले आतंकवादी हो गए। जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान से प्रेम करता है, हर वो भारतवासी इस बात से पीड़ित है कि ये हो क्या रहा है। कोई पार्टी अगर ये चाहती है कि केवल हिंदू वो हैं जो उस पार्टी के समर्थन करें, तो ये गलत है। आज एक दौर चल रहा है कि अगर बीजेपी के साथ कोई नहीं है तो उसे हिंदू विरोधी कहा जाता है। अगर भारतीय जनता, मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, मैं जीवीएल से भी सवाल करूंगा, मैं सवाल करूंगा कि हिंदुओं की अलमबरदारी आपको किसने दी? केवल हिंदुओं की तरफदारी करने का आप ढोंग करते हैं। आपने हिंदुओं के लिए किया क्या है? राम मंदिर बनाया नहीं, गंगा साफ की नहीं, गौ वध पे प्रतिबंध लगा नहीं, 370 हत्या नहीं किया, दया का प्रतिनिधित्व करता था, अरे हिंदुत्व का क्षमा का नाम हिंदुत्व है, जीवी साहब, दया का नाम हिंदुत्व है, बहुत अच्छा लगता है आचार्य, हिंदुत्व है, यही सवाल आप सिद्धरमैया से करते हैं, यही सवाल राजीव त्यागी से करते हैं, जो हिंदू धर्म क्षमा के ऊपर प्रश्न के लिए जानने वाला होता है, हिंदुओं को हिंदू आज आजादी हो गया, ये नॉवल सिर्फ वोटों की खातिर, ये हालत कैसे हुए? आचार्य जी, आप भी सिलेक्टिव बातें कर रहे हैं, चलिए जवाब दीजिए जीवीएलआर से बनाओ, जो आचार्य कृष्णम ने आपसे पूछा, ये नौबत क्यों आई? जो धर्म उदारता का प्रतीक था, आज उसे उग्रवादी कहते हैं। सुमित जी, जी सुमित जी, जीवीएल जीवीएल आचार्य जी बहुत सुविधाजनक बात कहते हैं आचार्य जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये कोई मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आपने सिद्धरामैया जी को बात सुनी ही नहीं है, दो दिन से लगातार टेलीविजन पर चल रहे हैं, लेकिन आपने आंख और कान बंद कर दिए। और जब अमित शाह जी का बयान कुछ जगह चप गया, आप उसको आप राजनीतिक बयानबाजी मत करिए, आप आचार्य जी के रूप में, सिद्धरमैया ने ये बात कही है जो देश के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, लेकिन राजनीतिक बयान मत करिए, आपका जो सवाल, आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ आचार्य जी, तो सुन लीजिए, मैं बहुत लेकिन आप उन नेताओं को भी रोकिए ना जवाब जो रोज ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करता है उसे हिंदू विरोधी कहते हैं, उसे कहते हैं तुम हिंदू नहीं, क्या हिंदू होने के लिए बीजेपी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? आचार्य जी आप गलत हैं, क्या हमने हमने राहुल गांधी को कहा था? क्या हमने सुशील मोदी को कहा है? हमने कहा है कि सिद्धरमैया को हिंदू आतंकवाद कहो? क्या हम शिंदे जी को हमने कहा है बयान देने के लिए हिंदू आतंकवाद हो ही सकता होने के नाते, हिंदू क्या हिंदू करुणा होने के नाते, भगवान को हमने करुणा निधान कहा है, भगवान को दया का सागर कहा है, दीनबंधु कहा है, हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म के अंदर चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन बात पे आचार्य जी सॉरी, आचार्य जी माफी के साथ और पूरे अदब के साथ मैं ये कहना, एक मिनट राजीव त्यागी, आचार्य जी डिबेट इस बात पे है कि सिद्धरमैया ने जो कहा क्या वो धार्मिक तुष्टिकरण के लिए कहा, क्या वो सियासी फायदे के लिए क्या नहीं, एक मिनट राजीव त्यागी, आचार्य प्रमोद कृष्णम को कुछ कंफ्यूजन है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ कि उनको सिद्धरमैया की बातें क्यों नहीं दिखाई देती हैं, वो सिद्धरमैया की बातों को देख के जानबूझ कर आंखें बंद कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े रहे इसलिए, या सिर्फ इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम कि आपको बीजेपी को घेरने में ही आनंद आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर सिद्धरमैया ने यह कहा है कि हिंदू आतंकवादी है, बिल्कुल आतंकवादी है, बिल्कुल आतंकवादी है, बिल्कुल कहा है, सिद्धरमैया की बात का समर्थन नहीं करता, मैं बिल्कुल उनकी बात का समर्थन नहीं करता, चलिए मैं जवाब दे दूं प्लीज, बिल्कुल
मैं कहना चाहता हूं हिंदू आतंकवादी हो सकते हैं, गीता हिंदू भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, मुसलमान भी आतंकवादी होते हैं, गीता भी आतंकवादी होते हैं, लेकिन किसी भी कम्युनिटी को आतंकवाद से जोड़ना ये गलत है। गीता भट्ट जी, जी गीता बोलिए, आप आतंकवादी हैं, आपने इसके खिलाफ क्या मुकदमा करने की सोची है कांग्रेस पर सिद्धारमैया पर? कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक उपयुक्तता के हिसाब से सब जगह काम किया है। आप देख लीजिए कि कहां अभी 2 महीने पहले गुजरात के इलेक्शन के दौरान तो जहां वो मंदिर मंदिर घूम रहे थे, और क्यों? क्योंकि वहां पे उनको लगा अल्पसंख्यक सिर्फ 8% है, और आज अब लग रहा है कि अगर कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं तो वहां 13% अगर अल्पसंख्यक हैं, तो उन्होंने अपनी पूरा 180 डिग्री टर्न कर दिया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी तो पीएफआई के साथ राजनीतिक गठबंधन करने की तैयारी में है कर्नाटका में, तो इन सबको देखते ये इसी का वो बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और जैसी बात पीएफआई के साथ आपके संबंध बनने वाले राजनीतिक तौर पर, मैं कहूंगी कि कांग्रेस क्यों नहीं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाल दी और कहे कि राम मंदिर बनना चाहिए? मैं देखिए कांग्रेस क्यों नहीं स्टेटमेंट निकाल दी? नहीं, आप राम मंदिर बनाते क्यों नहीं? पहले स्पष्ट, आप राम मंदिर बनाते क्यों नहीं? आपने धोखा दिया है, आपने राम मंदिर बनाया नहीं, कचरा साफ की नहीं, आपने क्या किया? आप हिंदुओं को लेके बीजेपी को घेरे, बहुत अच्छी बात है, और घेरना भी चाहिए। सबसे बड़ा झंडा बदार ये लोग बनते हैं, लेकिन 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 सिद्धारमैया के आगे बंद कर ले ये भी जायज नहीं। आचार्य जी नहीं करता, मैं पूरी कम्युनिटी से पूछा, आपने एक बार किसी भी कम्युनिटी से पूछा, किसी भी कन्वीनियंटली आगे बंद कर ली, मेरे बयान सुना नहीं। सुमित अवस्थी जी, किसी भी कम्युनिटी को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। लेकर के पीएफआई के बारे में स्पष्ट मैं कर दूं, कांग्रेस पार्टी का पीएफआई से एसजीपीआई से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो आतंक करेगा उसको बिहाइंड द बार्स कांग्रेस पार्टी की सरकार भेजेगी। हमारा ना तो किसी से कोई गठबंधन है, आरएसएस से गठबंधन है, ना पीएफआई से गठबंधन है, दोनों को एक ही खाने में रख रहे हैं हम लोग बाग। दूसरी बात, मेरा एक सवाल है जीवीएल से, बहुत छोटा सवाल है, जीवीएल सवाल है, जीवीएल एक सवाल सुन लीजिए मेरे मित्र, मेरा सवाल सुन लीजिए। पीएफआई के लिए, पीएफआई के लिए हमारे केरल में सरकार थी 2016 तक, हमारी सरकार ने रिकमेंड किया था, हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पीएफआई को लेकर के कि इस पे बैन लगना चाहिए। हमारा सवाल सरकार से है कि 2016 से लेकर 2017 तक केंद्र सरकार ने पीएफआई पे बैन क्यों नहीं लगाया? हमारे को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बताने की कृपा करें। बोलिए नरसिम्हा राव, इस पे जवाब दिलवा दीजिए। क्या नहीं, जब प्रक्रिया सुन लीजिए, जब वो प्रक्रिया जारी है, 16 से लेकर 17 बीत गया, 18 बीत गया, 2014 में दाऊद आ चुका है, हाफिज सईद पाकिस्तान से चल चुका है, और जितने भी आतंकवादी वो आकर के बिहार की जेल में सो चुके हैं, जिसको नहीं दिख रहे वो देशद्रोही है, कृपया देखने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है, सुन तो लीजिए, सुनिए ना उनका तर्क क्या है, क्यों नहीं लिया? जब सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। जीवीए नरसिम्हा राव बोलिए, क्यों पीएफआई पर एक्शन नहीं लिया गया अगर पीएफआई देश को तोड़ रही है? वोट चाहिए, बस वोट चाहिए, वो मुसलमानों के वोट चाहिए, बीजेपी को वोट चाहिए, बीजेपी के वोट मुसलमानों को चाहिए। अमित शाह ने नहीं कहा, सुनिए, अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट में नहीं कहा कि जितनी खून बहेगा जितनी हिंसा उसमें करा जाना खेलेगा, क्या नहीं कहा अमित शाह ने? बोलने दीजिए आप ही के सवाल का जवाब, पीएफआई पर एक्शन क्यों नहीं? ध्रुव सक्सेना ऐसा एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी एक मिनट सुनने दीजिए जी, जीवीएल। अच्छा, जो केसेस एनआईए के अधीन है, एनआईए ने अपने इन्वेस्टिगेशन किया, बट एक इन प्रक्रिया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत एक्शन लेने में समय लगता है। इसके इस समय क्या सिद्धरामैया उनके साथ पॉलिटिकल बैठक करेंगे, कोई अलायंस करेंगे? क्या आपका दायित्व नहीं है? क्या जनता ने आपको नहीं चुना है? क्या राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर आपका दायित्व नहीं है? केवल केंद्र सरकार के लिए आप आंख बंद करके दोनों एक दूसरे में बात डाल रहे हैं, हम तो एक्शन लेने वाले,
तिरंगे की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है और इन तीन मैं प्लीज जीवीएल बीच में नहीं बोलता प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू जीवीएल माइंड योर टंग प्लीज राजीव त्यागी बीच में नहीं बोलते ये आज के जनों की खबर की सबसे बड़ी चलाई चले राजीव त्यागी किसी के बीच में चलाई 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 मैं जीवीएल से कहना चाहूंगा जीवीएल मुझे ये बता दे प्लीज जीवीएल मुझे ये बता दे आपकी संस्था एनआईए जांच कर रही है केंद्र सरकार आपकी है केरल में रिकमेंडेशन हमने हाईकोर्ट के बिना पर रिकमेंडेशन की आपके पास भी जवाब हैं दोनों ये बता दे दोनों दर्शक देख ले भैया एक ही थाली के चट्टे बट्टे कब आएगा एक ही थाली दो जीवन भाई अरे भाई आप ही ले आते 60 साल तो रहे हमने आप क्यों नहीं लेके आए हमने तो दाऊद पे बैन लगाने का काम किया हमारी सरकार लाए क्या हमारी सरकार लाए क्या हमने पाकिस्तान को क्यों करने का काम किया आप भी लाते ये असलियत है दर्शकों ये आप देख लो सियासी असलियत यही है ये अपनी टोपी उसके साथ वो इनकी टोपी इसके साथ हमने कोई जनता के लिए कोई देश के लिए जवाब दे नहीं सिर्फ सत्ता पे काबिज होना यही मकसद होता है तिवारी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मसरत आलम को रिहा किसने किया पूछिए ना मसरत आलम एक मिनट एक मिनट राहुल गांधी चुप है राहुल गांधी चुप है तो राजीव त्यागी डिबेट को डिबेट कर रहे आतंकवादियों के साथ कौन है आतंकवादियों के साथ कौन है ये पब्लिक तय करती है अभी बाटला हाउस बहुत दूर नहीं गया है अभी बाटला हाउस लोगों को याद है जब मोहनचंद शर्मा को आतंकवादियों ने मारा तो आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा था और ओसामा बिन लादेन को साहब कौन कहता था और जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कौन कहता था वो सब कांग्रेस के अंदर ही हैं कहीं बाहर नहीं है और सबसे बड़ी बात दो संतों को आतंकवादी बना करके घेरने का काम किसने किया असीमानंद जिसको ये नहीं पता था कि वो कौन सी ट्रेन है जिसके मामले फंसा दिया गया असीमानंद को 8 साल तक बिना चार्जशीट के अंदर क्यों रखा गया और किसने रखा यानी हिंदुओं के हिंदू संतों को आतंकवादी बना करके प्रदर्शित करना ये हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का काम और घोषित करने का काम कांग्रेस मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं ब्रेक के उस पार आगे शुरू करेंगे अगले हिस्से को 8:41 हो गया है अमूमन हम 8:38 पे ब्रेक लेते हैं लेकिन आज मजबूरी है ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाते आतंकवादियों के साथ कौन है ये पब्लिक तय करती है अभी बाटला हाउस बहुत दूर नहीं गया है अभी बाटला हाउस लोगों को याद है जब मोहनचंद शर्मा को आतंकवादियों ने मारा तो आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा था और ओसामा बिन लादेन को साहब कौन कहता था और जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कौन कहता था वो सब कांग्रेस के अंदर ही हैं कहीं बाहर नहीं है और सबसे बड़ी बात दो संतों को आतंकवादी बना करके घेरने का काम किसने किया असीमानंद जिसको ये नहीं पता था कि वो कौन सी ट्रेन है जिसके मामले फंसा दिया गया असीमानंद को 8 साल तक बिना चार्जशीट के अंदर क्यों रखा गया और किसने रखा आखिरी सेगमेंट में हूं नतीजे देख लेते हैं देश की जनता क्या कह रही है क्या कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है हां कहने वाले एसएमएस पोल पर अब 90% हो गए जो शो को देख रहे हैं और ट्विटर पोल उसके नतीजे देख लेते हैं 88% पर ही जहां पर पिछली बार था मैं सीधे आना चाहूंगा कासमी साहब आपके पास क्योंकि मैं पिछले सेगमेंट में नहीं आ पाया था कासमी साहब एक बात बताइए गुजरात का चुनाव हम सब ने देखा कई डिबेट्स में आप शिरकत भी किए राहुल गांधी मस्जिद नहीं गए राहुल गांधी मुसलमानों के घर नहीं गए राहुल गांधी 2002 के दंगा पीड़ितों से नहीं मिले बहुत डिबेट हुआ और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं हम तो जनऊधारी हम तो मंदिर जाएंगे खूब मंदिर गए राहुल गांधी क्या आपको लगता है कि क्योंकि कर्नाटक में तीन बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस जेडीएस की चुनावी हार जीत भी मुसलमानों के वोट परसेंटेज पर डिपेंड करती है कांग्रेस को क्या इस बात का डर है कि यहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड मुसलमानों को नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ तो दो ही पार्टियाँ थी यहाँ पे तीन पार्टियाँ हैं अगर हम मुसलमानों को नहीं सहा देंगे तो नुकसान ना हो जाए क्या इसीलिए ये हिंदू टेरर कार्ड कांग्रेस पार्टी खेल रही है क्या लगता है मुस्लिम समाज का देखिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता इसलिए कि मुसलमानों की आबादी ही कितनी है 13-14% वहाँ की आबादी 13 के आसपास आबादी है जो सरकारी आंकड़ा है कर्नाटक का अब उस आबादी को लेकर के कोई भी गवर्नमेंट कैसे इतना बड़ा स्टेप लेगी कि किसी के बारे में जो है इतना बड़ा बयान देने जाए असल में आपको ये याद रखना होगा कि उससे एक दिन पहले ठीक अमित शाह जी ने जो बयान दिया था पर बगैर सबूत के ये कह देना कि आतंकवादी संगठन है RSS BJP VHP और मुख्यमंत्री के द्वारा कोई प्रवक्ता नहीं कोई चुनावी रैली नहीं
अब उसमें उनके क्या अल्फाज थे, क्या थे, नहीं थे, लेकिन ये सच्चाई तो वो भी जानते होंगे और अच्छी तरह जानते हैं और कांग्रेस भी जानता है, और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सजावार है, इसलिए कि गोडसे की मानसिकता अगर इस देश में परवान चढ़ी है तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट किसी ना किसी हद तक कांग्रेस ही के ऊपर है, इसलिए कि राज कांग्रेस ने किया है तो फिर गोडसे की मानसिकता को परवान करने कैसे आगे परवान चढ़ने दिया। मानसिकता को परवान चढ़ाने में कांग्रेस का भी रोल नहीं, नहीं बिल्कुल, उसके उससे एक कदम और आगे मैं बढ़ाऊं। जिस वक्त एनआईए ने इसमें इंद्रेश कुमार जैसा सीनियर लीडर आरएसएस उनका नाम आया तो कांग्रेस के सेंटर में गवर्नमेंट थी, दूसरे लोग तो गिरफ्तार हुए, लेकिन जो है इंद्रेश कुमार को गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किया भाई? अगर गिरफ्तार किए होते तो देशद्रोही नहीं पैदा होते। जब तक भय और आतंकवाद में सियासत करते रहेंगे हम लोग बाग, हम अपने मुल्क को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। एनआईए को स्वतंत्र छूट होनी चाहिए। हमारे टाइम पे देखिए मैं आपको दो तीन चीज रिपोर्ट करता हूँ। March 31, 2017 बजरंग दल मार्चेस विद वेपन्स इन फिरोजाबाद पुलिस एक्ट। आप ये कहेंगे 2008 में इंद्रेश जी का नाम खुल करके सामने आया था, नहीं अरेस्ट किया आपने? अप्रैल 10, 2006 तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ूं। देखिए चार आदमी वेट कर रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा ने ही गोडसे को पुष्पित और पल्लवित किया और महात्मा गांधी की हत्या हुई और आपकी और उसी वजह से हमने उनको बैन करने का काम किया। देखिए इंदिरा जी ने बैन करने का काम किया, समाज के व्यक्ति बैठे हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको उनको संतुष्ट करना है, आपकी सरकार वोट ले रहे हैं और आप कांग्रेस को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। कांग्रेस को देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जी। सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म पे से शुरू करता हूँ। सनातन धर्म एक वट वृक्ष है जिसके छाया में 8 तरह के धर्म पूरे देश में चल रहे हैं। ना तो हिंदू आतंकवादी हो सकता है, ना मुसलमान आतंकवादी हो सकता है, ना सिख आतंकवादी हो सकता है, आरएसएस की राजीव गांधी आतंकवादी नहीं है, सुमित अवस्थी आतंकवादी नहीं है, विजय शंकर तिवारी आरएसएस नहीं है, आतंक प्रशिक्षण देती है और किसको जो राहुल गांधी ने किया रोजगार के सवाल पे आप नहीं चाहते कि आपके मुख्यमंत्री का सवाल करें, आप नहीं चाहते हैं डिबेट है, आप नहीं चाहते हैं किसान अर्थ नहीं चाहते कि राहुल गांधी में सवाल करें, ये सकारात्मक राजनीति है। गांव में लोनी में ये सकारात्मक राजनीति में बैठे जीवियल जवाब दीजिए। ओनली जीवियल बोलिए, पोस्टर जारी किया था, जीवियल बोलिए, वोट देने का काम किया था। एक सेकंड सुमित जी जीवियल बोलिए। आप भी स्टूडियो में आगे से मार्शल्स रखिए, यदि कोई प्रवक्ता नहीं सुनते हैं उठाकर बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि इस प्रकार डिबेट को खराब करना होता है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई तर्क नहीं होता है तब राजीव त्यागी को भेजते हैं ताकि डिबेट खराब करे, इसके पर कोई चर्चा ना हो। बिल्कुल आतंकवादी जवाब दीजिए, 2000 कांग्रेस का नहीं, इसके बाद जवाब दीजिए। कांग्रेस का बोलिए, जीवीएल कंप्लीट हो सकते। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये हिंदू आतंकवाद का इस प्रकार भगवा आतंकवाद का चयन किया था, और यदि आपके पास और गुजरात में आप नए चेहरे से सामने आते हैं, आप अवसरवाद के आधार पर अभी आकर के पीएफआई को अपना अस्त्र बनाते हैं, लेकिन असल कारण ये बयान का सुमित अवस्थी जी सिद्धरामैया के पास कहने के लिए कुछ ही नहीं। बंगाल सरकार ने एक डिसीजन लिया तो आपने इतने तूफान खड़ा कर दिए कि लग रहा था कि पूरी मुमताज महल बन गई, लेकिन वही डिसीजन बिहार गवर्नमेंट ने और फिर झारखंड गवर्नमेंट ने लिया तो सबके सर जो है कहां घुस गए, कहां चले गए सर? अरे भैया नहीं होना चाहिए, दुर्गा पर बहस नहीं है, आप आ चुके दुर्गा पर, आज सिद्धरमैया पर बहस है, आरएसएस बीजेपी के आतंकी है इस पर बहस है, जवाब दीजिए। अभी मेरे ऊपर जी मेरे मित्र ने व्यक्तिगत आरोप लगाया,
278 जवान शहीद हो चुके हैं देश की सीमाओं पर, 2300 से ऊपर सीज फायर वायोलेशन पाकिस्तान कर चुका है, भोले भाले निरीह 150 से ऊपर नागरिक मारे जा चुके हैं, वो आतंकवाद नहीं दिखता भारतीय जनता पार्टी को। अगर राजीव त्यागी किसान से नौजवान के जवान के सवाल पूछता है तो राजीव त्यागी को कहीं ना कहीं क्या नाम उसका कहेंगे बाउंसर से उठवा के फेंकवा दो। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, जो सवाल पूछेगा मैं कहता हूँ जीवन आपसे, सवाल ही हयात है, सवाल ही कायनात है, सवाल ही जवाब है और सवाल इंकलाब है। कांग्रेस अब एजेंडा सेट करेगी गुजरात चुनाव के बाद, एजेंडा सेट करके आपसे जवाब मांगेगी, हर चीज का जवाब मांगेंगे, किसान पे जवाब मांगेंगे, महंगाई पे जवाब मांगेंगे, पाकिस्तान पे जवाब मांगेंगे, चाइना पे जवाब मांगेंगे। आखिरी कुछ सेकंड बाकी हैं गीता भट्ट, गीता भट्ट 20 सेकंड गीता भट्ट। सुमित जी मैं यह कहना चाहूंगी कि जो आरएसएस के किसी भी अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट कर पाए, वो इसीलिए क्योंकि इन्हीं के पास ना कोई प्रमाण था और ये भी पता है कि समाज में उनका उनको कितना समर्थन प्राप्त है। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी बात त्यागी जी तब से बोल रहे हैं, थोड़ा सुन भी लीजिए थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक दर्शन है वो सिर्फ एक है और वो है सिर्फ सत्ता के ऊपर काबू करना, और उसके लिए समाज के ताने बाने को जितना चिन्ह भिन्न होना हो और तिरंगे के लिए हमने जान दी है और आगे भी कुर्बानी देते रहेंगे। आरएसएस के कितने लोगों ने जान दी बताइए प्लीज, आरएसएस के कितने लोगों ने कुर्बानी दी है बताइए प्लीज, एक व्यक्ति नहीं, अंग्रेजों को पिछले 70 सालों से उन्होंने यही राजनीति करी है और आज भी उन्होंने वही राजनीति करी है और इसीलिए आज वो एक्सपोज हो गए हैं। अरे सैकड़ों कांग्रेस के कुर्बान हो गए, झंडे के कुर्बान हुए, इंदिरा जी कुर्बान हुई, राजीव जी कुर्बान हुए, शांत डिबेट खत्म होने का वक्त हो गया है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, वक्त की कमी है लेकिन कर्नाटक चुनावों की नींव पड़ चुकी है और ये स्थिति, ये सियासी बहस अगले 2-2.5 महीने अब आप सुनेंगे, कभी सिद्धरमैया के मुंह से तो पलट जवाब में कभी बीजेपी के मुंह से, कौन बड़ा आतंकवादी है यह आपको तय करना है, क्योंकि आतंकवाद के नाम पर अब वोट जो मिल जाते हैं आसानी से, यही एजेंडा है राजनीतिक पार्टियों का। शुक्रिया, सीधे चलेंगे किशोर के पास सौ बात की एक बात के लिए।